Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. Now student, see the question. So question 3 is, a force of 10 Newton gives a mass m1 and acceleration of 8 meter per second square. एक फोर्स है 10 न्यूटन की जो कि एक मास m1 को एक्सेलरेट करती है 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एंड मास m2 को एक्सेलरेट करती है 24 मीटर पर सेकंड स्क्वायर अगर वो मास m2 पर लगाई है देन व्हाट एक्सेलरेशन विल बी प्रोड्यूस इफ द बोथ द मासेस आर टाइट टुगेदर अगर दोनों मासेस को एक साथ टाइट कर दिया जाए तो कितनी फोर्स वो क्या करेगी एक्सेलरेट कितना एक्सेलरेशन करेगी 10 न्यूटन की फोर्स सी देखते हैं यहां पर हम नाउ स्टूडेंट अगर हम बात करें फर्स्ट वाले मास की m1 मास कितना है हमें नहीं पता यहां पे 10 न्यूटन की जो है फोर्स लगी और एक्सेलरेशन कितना हो गया यहां पे एक्सेलरेशन हो गया 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर सो यहां पर फर्स्ट में मैं लेता हूं लेट यहां पर लेंगे मास ऑफ फर्स्ट बॉडी वैसे मास ऑफ फर्स्ट बॉडी लेट करने की जरूरत नहीं है यहां पर हम क्या करते हैं हटा दें क्योंकि m1 तो हमें दिया हुआ है मास ऑफ फर्स्ट बॉडी इज इक्वल टू m1 सो अकॉर्डिंग टू फोर्स सिंस f इज इक्वल टू ma f क्या है ma के बराबर है f इज इक्वल टू ma है सो यहां पर फोर्स जो है 10 न्यूटन की लग रही है मास m1 है एक्सेलरेशन कितना हो रहा है एक्सेलरेशन 8 है तो m1 कितना आएगा m1 आएगा 10/8 जो कि कितना आ जाएगा 1.25 किलोग्राम ये आ जाएगा आपका और सेकंड केस में अगर हम देखें यहां पे सेकंड केस में स्टूडेंट क्या हो रहा है मास है यहां पर m2 अगर मैं ले लूं ये मास m2 है अगेन यहां पे 10 न्यूटन की फोर्स जो है अप्लाई कर रहे हैं और यहां पे एक्सेलरेशन कितना हो रहा है एक्सेलरेशन जो हो रहा है यहां पर मैं आपको बता देता हूं 24 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का यहां पे मास ऑफ सेकंड बॉडी क्या हो जाएगा इज इक्वल टू m2 सो एक्सेलरेशन यहां पर क्या होगा अकॉर्डिंग टू द फोर्स f इज इक्वल टू m2a एंड यहां पर फोर्स है 10 न्यूटन की m2 हमारा कितना है निकालना है एक्सेलरेशन 24 है सो m2 इज इक्वल टू हो जाएगा 10/24 और जब हम 2 से डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा 5/12 और 5/12 कितना आएगा स्टूडेंट 5/12 आएगा 0. फर्स्ट टाइम क्योंकि 5 तो जान नहीं सकता तो पॉइंट लगा के 0 लेना पड़ेगा और फिर 4 से जाएगा देन 4 के बाद 1 से जाएगा देन इसके बाद आपका क्या जाएगा ये चला जाएगा दिस 8 से तो 4.16 ये किलोग्राम इतना होगा अब थर्ड केस में क्या था स्टूडेंट थर्ड केस में क्या था अगर मास m1 और ये मास m2 जो है मास m1 और m2 जो है मैं ऐड करा देता हूं यानी m1 प्लस m2 करा देता हूं ये कितना हो जाएगा न्यू मास m बराबर न्यू मास m इज इक्वल टू m1 प्लस m2 मैं करूंगा ये आ जाएगा 1.25 प्लस 0.416 तो ये टोटल मास आ जाएगा 1.666 किलोग्राम और जब यहां इस कंबाइन मास पे 10 न्यूटन की फोर्स लगेगी तो एक्सेलरेशन कितना होगा एक्सेलरेशन ये मैं आपको बता देता हूं तो व्हेन 10 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन कंबाइंड मास और वो क्या हो जाएगा यहां पर सो f इज इक्वल टू m इनटू में a यहां पर 10 न्यूटन है मास कितना हो गया 1.66 एक्सेलरेशन जो आपको निकालना था तो एक्सेलरेशन हो जाएगा 10 अपॉन में 1.666 और जब आप इसे निकालेंगे तो अराउंड 6.002 आएगा 002 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इतना एक्सेलरेशन जो है आएगा